जाम मिल् इस्लामी में वैसे स्टूडेंट जो सेशन 22-23 में इंटरेस्टेड हैं खासकर इंट्रेंस एग्जाम देने को लेकर उन सभी स्टूडेंट्स को एक बड़ा सिंपल गाइडेंस जरूर रहेगा कि अभी आज के टाइम में वो सिलेबस जरूर डाउनलोड करके अपने पीडीएफ फाइल में या स्क्रीन शॉट लेकर जरूर रखें इन फ्यूचर क्योंकि होगा ये कि अभी आपको जो सिलेबस दिख रहा है वेबसाइट पर वो बाद में जामिया जो वेबसाइट से हटा लिया जाता है इसलिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस जरूर डाउनलोड कर ले चाहे वो किसी भी कोर्स कुर, का दे रहे हो चाहे वो बीए पॉलिटिकल हो डिप्लोमा हो या मास्टर के कोर्सेज हो या अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हो लेकिन ओवरऑल ये कि आप सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे गूगल पे जाएंगे और जे एम आई सी ओ सिंपल सर्च कर लेंगे जैसे जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ एज इट इज़ आपको भी अपना लेना है इसके बाद सबसे पहले जाम मिल् इस्लामिया का इंटर इंटरफेस आएगा इस पर सिंपल क्लिक कर लेना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे नीचे आते ही ये जो एडमिशन वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे इससे इसी वाले सेक्शन में हल्का सा स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो एट द एंड पे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सेलेबस फॉर सेशन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आप इस बात को लेकर जरा सा भी मत घबराएं कि सर ये तो इक्कीस बाईस के लिए है हालांकि सिलेबस हर साल ज़्यादातर कोर्सेज का जामिया का सेम ही रहता है और अगर चेंज होगा भी तो आपको पता चल जाएगा लेकिन उन सब में ये ज़रूरी है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके चार से पाँच मंथ तो लगेंगे ही अगर आप जामिया का इंट्रेंस क्वालीफाई करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है अभी जो सलेबस इसे ही डाउनलोड कर लीजिए और हालाँकि मैं आपको ये नाइन्टी आपको बता दूँ कि सिलेबस चेंज नहीं होता है क्वेश्चन के पैटर्न अलग बात है कि चेंज होते रहते हैं कभी लाइक like रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा या टफ़ कर देगा या कभी कोई और पार्ट टफ़ कर देगा लेकिन सिलेबस का जो टॉपिक है वो यही मेंशन रहेगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिलेबस ज़रूर होंगे सिंपल इसी वाले यानी इंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पर क्लिक कर देंगे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है कोर्स का टाइप में जैसे कि कोई अगर बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता हो बैचलर सेलेक्ट से करेंगे <coughs> और कोई ये स्टूडेंट्स अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो मास्टर्स सेलेक्ट कर लेंगे कोई पीजी डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ये देख सकते हैं उनका ये रहा यहाँ से वो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे तो अभी जो है मैं सिंपल सबसे सब पहले डिप्लोमा का ही देख लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम क्योंकि डिप्लोमा में ऐसा है जाम को एक डिप्लोमा नहीं है मतलब डी के नाम से भी है, डिप्लोमा है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है और भी कुछ लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं तो अभी तो हमें सिंपल जो है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का देख लेना है कोई अगर डी का देखना चाहे तो डी का भी देख सकता है तो सिंपल यहाँ से हम जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो कैप्चा आ रहा है इसको सिंपल यहाँ पर डाल देंगे हमने कैप्चा जो है ऑलरेडी डाल दिया ये देख सकते हैं अब इसके बाद ये जो सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस लिंक ऑप्शन कोर्स का नाम आ गया इसके बाद सिंपल ये व्यू वाला बटन यहाँ पे जो दिख रहा है व्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे डाउनलोड करते ही इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जो मुझे दिख रहा है ज़्यादा नहीं दो तीन चीज़ें मैंसन होगा एक तो वो कि आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे वो और उसके बाद टॉपिक वाइज मैंसन सिलेबस रहेगा ये रहा आपका टू हंड्रेड पूछा जाता है टाइमिंग वन एटी यानी थ्री आवर और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है पहली चीज़ ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फिजिक्स के से केमिस्ट्री से और मैथ से ये तीन पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अलावा और किसी और पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके बाद ये सिलेबस रहा यहाँ से टॉपिक वाइज अगर सिलेबस अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो नाइन्टी परसेंट चांस है कि आपका जामे में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में सेलेक्शन हो जाएगा ये ये सिलेबस रहा इसके अलावा और कुछ नहीं इस पी डी एफ को आपको खुद भी डाउनलोड करके सेव कर लेंगे अब इसके बाद हम अगेन किसी और कोर्स पर चलते हैं जैसे अभी तो मैंने डिप्लोमा का दिखाया इस तरीके से बैचलर पर आते हैं क्योंकि बैचलर के काफ़ी फॉर्म फिल होते हैं यहाँ से बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे बैचलर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे यहाँ एक्चुअली मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से सबसे पहले बैचलर सेलेक्ट किया बैचलर सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट से लाइक बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का तो यहाँ से वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चेक कर लेंगे मतलब सेलेक्ट कर लेंगे हमने ऑलरेडी कैप्चर डाल रखा है इसलिए हमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है हम सिंपल सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देंगे सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर साफ़ लिखता हु आ रहा है बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स डाउनलोड सिलेबस और लिंक इस पर सिंपल व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे फिर से ये डाउनलोड होना शुरू होगा जैसे ही डाउनलोड होगा इसको सिंपल आप ओपन कर लेंगे ओपन करते ही इस तरीके से दिखेगा ये दिख रहा है आपको हालांकि मैं आपको इसमें ये बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो हंड्रेड यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपका क्वेश्चन जो हंड्रेड एम से क्यों है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस बस ये डायरेक्ट टॉपिक का नाम मैंसन है मतलब ये कि कौन कौन सा पार्ट से पूछा जाएगा ऐसा कुछ मैंसन नहीं है इसके लिए आपको जो बुक लिस्ट के बारे में है वो सारी चीज़ बताई जाएगी लेकिन आज के टाइम ये कि सिलेबस आपको बता दिया जा रहा है बाकी अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जाम मिल् इस्लामी के अपकमिंग रिजल्ट से या क्वेश्चन पेपर को लेकर तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मैं ये कह दूँ जल्द ही आपके इस यूट्यूब चैनल पर जी का कम्प्लीट जी हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इकोनॉमी का अपलोड किया जाएगा बाकी अपडेटेड रहें थैंक यू फॉर वाचिंग